Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को. हेलो, गुड मॉर्निंग. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. मैं रामवीर आज स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर वन स्टडी लर्निंग चैनल वाईफाई स्टडी में. दोस्तों, हमने पिछली क्लास में जो हमारी बात चल रही थी वो बात थी हमारी वेल्डिंग पर. बात चल रही तो वेल्डिंग के बाद में आज जो हम बात करने वाले हैं डिटेल के साथ में, उसको वेल्डिंग के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के बारे में बात करने वाले हैं. दोबारा से नहीं बोलना. हाँ, तो आज जो बात करने वाले हैं हम वेल्डिंग के, जो हमारे कल की क्लास में स्टूडेंट्स वगैरह की बात चली थी वो भी हम आज बात करेंगे. और जो आज हमारा मेन जो है वो है डीसी आर्क वेल्डिंग को समझना और डीसी आर्क वेल्डिंग और एसी आर्क वेल्डिंग के कंपैरिजन को देखना. ठीक है, तो आज हम इसका काम, मतलब आज इसको हम पढ़ते हैं. किसको पढ़ते हैं? डीसी आर्क वेल्डिंग. भाई क्वेश्चन डीसी आर्क वेल्डिंग, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई डीसी आर्क वेल्डिंग के लिए. भाई ये बताइए कि डीसी आर्क वेल्डिंग किस प्रकार के जॉब पर, किन प्रकार के जॉब पर की जाती है. छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर दो फास्ट. भाई डीसी आर्क वेल्डिंग किस प्रकार के जॉब पर की जाती है? मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको. ए ऑप्शन में जैसे मैंने आपको दे दिया लोह धातु पर. बी ऑप्शन अलोह धातु पर, सी ऑप्शन सभी धातुओं पर, सभी प्रकार की धातुओं पर. डी ऑप्शन कोई नहीं. डीसी आर्क वेल्डिंग की जाती है. छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दो आप. डीसी आर्क वेल्डिंग की जाती है, बताओ भाई क्या आएगा? ए लोह धातु पर, बी अलोह धातु पर, सी सभी प्रकार की धातुओं पर, डी कोई नहीं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद में ही हम चैप्टर को शुरुआत कर सकते हैं. बताइए जरा आंसर बताओ जल्दी से फास्ट. डीसी आर्क वेल्डिंग की जाती है लोह धातु पर, अलोह धातु पर, सभी प्रकार की धातुओं पर, डी में कोई नहीं. फास्ट. कल की तरह दोबारा से आपके मिक्स में आंसर आना शुरू हो गया. जो आपने कल काम किया था वैसे के वैसे ही आज भी कर रहे हो. कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है ना, और कोई फेरस मटेरियल बोल रहा है, कोई गुड मॉर्निंग भी बोल रहा है. गुड मॉर्निंग सभी को. अच्छा, तो भाई आंसर आपका करेक्ट नहीं जा रहा है डायरेक्शन बी सी ए. चलिए ठीक है, अब इतनी देर बाद राजीव कुमार रंजन जी का एक आंसर मेरे को दिखाई दे रहा है. उन्होंने बोला है सी, है ना. तो आंसर आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट है. आंसर जो है आपका सी जो है करेक्ट है. और जो ए और बी बोल रहे हैं तो जरा ध्यान से समझो. यहाँ क्वेश्चन क्या है? ए सी आर्क वेल्डिंग की जाती है. ए सी आर्क वेल्डिंग किस जाती है? लोह धातु पर, अलोह धातु पर, सभी प्रकार की धातुओं पर, या कोई नहीं. ध्यान समझो,
जब भी डीसी की, ये डीसी आर्क वेल्डिंग है ना, जब भी डीसी की बात आएगी तो डीसी लोहे पर करने में भी सक्षम है और अलोह पर भी करने में सक्षम है, यानी दोनों प्रकार की धातुओं पर, यानी सभी प्रकार की धातुओं पर करने में क्या है ये सक्षम है। अगर लोहा आता अगर केवल और केवल एसी आर्क वेल्डिंग आता, एसी आता, डीसी की जगह क्या आ जाता, एसी आ जाता, तो एसी तो केवल केवल किस पर होती है, लोहे पर केवल और केवल क्या होती है, एसी, है ना। और अगर हम दोनों की बात करें, इन दोनों की बात करें, तो दोनों पर कौन सी हो जाएगी, दोनों पर हो जाती कौन सी, डीसी। समझ रहे हो ना मेरी बात, केवल और केवल एसी आर्क वेल्डिंग ही जो है वो लोह धातु पर होती है और डीसी आर्क वेल्डिंग सभी प्रकार की धातुओं पर हो जाती है। आंसर क्या आ गया आपका, सी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा आप ध्यान सुनो, कल मैंने आपको बताया था 40 से 60 वोल्टेज की आवश्यकता होती है किसको, एसी आर्क वेल्डिंग को करने के लिए, ठीक है। आज जो हम बात करने वाले हैं, तो भाई हम बात तो एसी आर्क वेल्डिंग, डीसी आर्क वेल्डिंग की कर रहे हैं, तो आज हमारे को जो वोल्टेज चाहिए वो एसी आर्क वेल्डिंग की अपेक्षा कम वोल्टेज चाहिए। कम क्यों चाहिए, जितना हम कम वोल्टेज करेंगे उतना ज़्यादा हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ध्यान समझिएगा मेरी बात को। तो हमारे को यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, और टेम्परेचर देखो V बराबर आई आर सुना हुआ, आई बराबर क्या होता है, V अपॉन क्या होता है, R, है ना कि नहीं। अगर हमारा V का मान बढ़ेगा तो R का मान क्या होगा, घटेगा। R समानुपाती क्या होता है, हीट, H बराबर आई स्क्वायर RT, है ना। तो R समानुपाती क्या होता है, H। हमारे को क्या चाहिए, R का मान ज़्यादा चाहिए, और जब R का मान बढ़ेगा तभी H का मान बढ़ेगा, और R का मान अगर हमें क्या करना है, बढ़ाना है। अगर हमें R का मान क्या करना है, बढ़ाना है, तो V का मान हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर के हम वोल्टेज को क्या कर देंगे, यहाँ कम कर देंगे। यहाँ पर कितना कर देंगे, देखो R को स्थायित्व बनाए रखने के लिए, रनिंग कंडीशन बनाए रखने के लिए 15 वोल्ट, ठीक है, और R का शुरुआत करने के लिए 30 से 45 वोल्ट, कितना, 30 से 45 वोल्ट, ठीक है। तो आर डीसी आर्क वेल्डिंग को शुरुआत करने के लिए कितना चाहिए, 30 से 45 वोल्ट चाहिए, और रनिंग कंडीशन बनाए रखने के लिए 15 वोल्ट पे काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैठ गया दिमाग में, इतना कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पर, कोई परेशानी हो तो मुझे बता दो भाई। आदमी को करंट नहीं लगेगा 40 से 50 वोल्ट पर, बिल्कुल साफ सही बात है, कल हमने इसके ऊपर बात की थी। 40 50 वोल्ट पे तो आराम से इंसान को करंट नहीं लगने वाला है ना, तो आप इससे बेफिक्र रहिए ना। रिजल्ट आएगा क्या सीबीटी तुम लोग है ना डेली वही बातें करते हो ना भाई, रिजल्ट आएगा, और आईटीआई वालों का मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन होंगे वो आईटीआई वालों के होंगे, आईटीआई वालों के बाद में फिर नंबर डिप्लोमा बीटेक वालों का आएगा, और सबसे कम जो कह सकते हैं आपके सिलेक्शंस का जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 12 साइंस मैथ्स का। कारण बताते हैं कि सबकी सीटों के अकॉर्डिंग 15 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। जिस किसी बोर्ड में आपकी किसी पर्टिकुलर ब्रांच की सीट है, मतलब मान लो 300 बच्चे हैं वहाँ पर, 300 सीटें हैं वहाँ पर, तो 15 गुना बच्चे पास होंगे, तो मतलब 4,500 बच्चे पास किए जाएंगे। 4,500 बच्चे अगर पहले से वहाँ फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, तो 4,500 जो शुरुआत में अच्छे नंबर्स लेकर के आए हैं उनको ले लिया जाएगा, बाकी जो बचेंगे, उनको बिठा दिया जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए 4,500 ही नहीं पहुँचे वहाँ पर, है ना, संख्या क्या है थोड़ी सी कम है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबको ले लिया जाएगा। तो नंबर कम हो या ज़्यादा हो सी बी टी वन में, इस पर डिपेंड करता है कि आपने किस भर्ती बोर्ड का चुनाव किया है। बैठ गया होगा दिमाग में, अब आप में बार बार रिजल्ट की बात नहीं करेंगे, और ये तो भाई सीधी सी बात है, डिपेंड करेगा किस पर, आपने किस भर्ती बोर्ड पर का क्या नाम है, आपने फॉर्म भरा है, ठीक है। तो अब अपने को ज़्यादा वो नहीं करना है, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं डीसी आर्क वेल्डिंग में किस मशीन की आवश्यकता होती है। तो डीसी आर्क वेल्डिंग के अंदर हम यूज़ में लेते हैं मोटर जनरेटर सेट, किसका यूज़ करते हैं, मोटर जनरेटर सेट का। या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, हम क्या काम कर सकते हैं, हम ब्रिज रेक्टिफायर भी लगा सकते हैं ना, ब्रिज रेक्टिफायर लगा सकते हैं, है ना, है ना। और उसके बाद में आपका रेक्टिफायर का यूज़ किया जा सकता है, मतलब एसी को किस में कन्वर्ट करने में, डीसी में कन्वर्ट, और डीसी में कन्वर्ट करने के बाद में फिर आप इसको ले जा कर क्या कर दो, डीसी आउटपुट दे दो। किसको दे दो आप डीसी आउटपुट, डीसी आउटपुट आप दे सकते हो वेल्डिंग, जो आप जहाँ आप वेल्डिंग कर रहे हो ना, यहाँ डीसी सप्लाई आप यहाँ दे दो, और डीसी सप्लाई देने के बाद में फिर आपका वेल्डिंग का जो अदर प्रोसेस है वो सारा सारा आपका वैसा का वैसा ही क्या हो जाएगा, स्टार्ट।
डीसी सप्लाई दी, पावर केबल आपके पास, वर्कपीस होल्डर मतलब वर्क मतलब इलेक्ट्रोड होल्डर है ही सही, मेटल के लिए मतलब मेटल की शाफ्ट आपके पास यहाँ मौजूद है ही। अच्छा ध्यान समझना कि भाई यहाँ पर जो आपकी जो शाफ्ट जो सॉरी फिलर रोड जो उपयोग में लाई जाने वाली है, फिलर रोड जो उपयोग में लाई जाने वाली है वो मीडियम कार्बन स्टील की होगी लेकिन कॉटेड नहीं होगी, है ना। पिछली क्लास में हमने बात की थी वो कैसी रहेगी, कॉटेड रहेगी, और आज की क्लास में जो हम बात कर रहे हैं वो कॉट नहीं रहेगी। डी सी आर्क वेल्डिंग करते करने से पहले या कोई भी आर्क वेल्डिंग हम कोई भी क्या नाम है आर्क वेल्डिंग करते समय हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ता है कि भाई उसका ग्रुप कितने डिग्री का है। तो ग्रुप हमेशा बनता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। अब देखिए भाई ध्यान से समझना, और अगर कोई धातु कोई जॉब क्या है काफ़ी ज़्यादा थिकनेस वाला है तो वहाँ पर ये क्या नाम है इसका जो थिकनेस एरिया अगर ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, लगभग आपके 10 mm से ज़्यादा चला जाता है, यानी 10 mm या 10 mm से ऊपर जाने वाला होता है, तो उस कंडीशन में फिर हम क्या करते थे 90 डिग्री के एंगल से थोड़ा एंगल बढ़ा देते हैं ना। तो सभी प्रकार की धातु मतलब एक निश्चित मोटाई तक हमारे को कितने डिग्री के एंगल का 90 डिग्री, यानी जो देखो सुनो मेरी बात, वेल्डिंग करते समय दो प्लेटों के बीच में दो प्लेट होती है। अब इनकी सतह तो कुछ इस तरीके की होती है, लेकिन इसको वेल्ड करने से पहले हमारे को क्या करना है कि इसको 90 डिग्री एंगल पर इसको क्या करना पड़ता है, हमें काटना पड़ता है। कितने डिग्री एंगल पर हमें एरिया रखना पड़ता है? 90 डिग्री एंगल। और जब ये 90 डिग्री एंगल हो जाता है, जैसे ये 90 डिग्री एंगल हो जाता है, तब हम वेल्डिंग का काम करना यहाँ क्या करते हैं, शुरू करते हैं, तब ये वेल्डिंग किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा कई वेल्डिंग ऐसी हैं जिनमें क्या करते थे हम शीट को उल्टा भी कर देते, शीट को उल्टा ज़्यादा मतलब गहराई में वेल्डिंग ना करना पड़े तो हम दोनों साइड से शीट होती तो दोनों साइड से वेल्डिंग कर देते, ठीक है। एक क्वेश्चन था मेरे को अभी थोड़ा सा याद आया, गैस वेल्डिंग वेल्ड कर सकती है? देखो वैसे तो गैस वेल्डिंग 12 mm तक के जॉब को वेल्ड करती है, भाई कितने mm तक के जॉब को वेल्ड करती है? गैस वेल्डिंग 12 mm। गैस वेल्डिंग द्वारा कितनी मोटाई तक की प्लेट को वेल्ड किया जा सकता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, गैस वेल्डिंग द्वारा कितनी मोटाई तक की प्लेट को वेल्ड किया जाता है। प्लेट जब भी आ जाता है तो वैसे तो आपका ये इसकी जो भेदन क्षमता होती है गैस वेल्डिंग की वो तो 12 mm, लेकिन अगर हम इसको क्या करते हैं डबल कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 24 mm या 1 inch भी कह सकते हो लगभग, है ना। तो लगभग 1 inch हो जाता है ये, तो अगर प्लेट के ऊपर करते हैं तो प्लेट के ऊपर हम इसको क्या कर सकते हैं डबल भी कर सकते हैं, यानी कि प्लेट का अगर साइज ऐसा है ना तो प्लेट की मोटाई ये है ना। तो अब हम क्या करेंगे भाई, क्या करने वाले हैं हम कुछ इस तरीके से वेल्डिंग करेंगे, ऊपर की साइड से 90 डिग्री का ग्रुप लेंगे और नीचे की साइड से 90 डिग्री और इसको क्या कर देंगे वेल्ड कर देंगे, समझ गए ना मेरी बात को। तो कुछ इस तरीके से भी किया जा सकता है, तो अधिक से अधिक मोटाई की वेल्डिंग की जा सकती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डी सी आर्क वेल्डिंग के अंदर हमारे को कितना चाहिए, 15 volt रनिंग कंडीशन के लिए चाहिए, और शुरुआत स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कितना हो भाई, लगभग 30 से 45 वोल्टेज की शुरुआत की जरूरत होती है। डी सी आर्क वेल्डिंग करने के लिए किस मशीन का यूज़ किया जाता है, तो आप एक तो रेक्टिफायर के थ्रू आप डी सी प्राप्त कर सकते हो, इसके अलावा जो आजकल किया जा रहा है ना, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो मोटर जनरेटर सेट, कौन सा मोटर जनरेटर सेट का भी उपयोग कर सकते हो या करते हैं, है ना, मोटर जनरेटर सेट का उपयोग करते हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए अब मोटर जनरेटर सेट का यूज़ करेंगे तो डी सी आर्क वेल्डिंग क्या करती है, शोर ज़्यादा करती है, शोर उत्पन्न ज़्यादा करती है, ठीक है। डी सी आर्क वेल्डिंग की दक्षता ए सी आर्क वेल्डिंग की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, कल मैंने आपको शायद बताया भी था। ए सी आर्क वेल्डिंग की जहाँ दक्षता की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे ए सी आर्क वेल्डिंग की दक्षता कितनी होती है, 84% होती है, तो वहीं डी सी आर्क वेल्डिंग की दक्षता क्या होती है, डी सी आर्क वेल्डिंग की दक्षता कितनी होती है, केवल और केवल 61% होती है। बात आप हमेशा वेल्डिंग दक्षता है ना, वेल्डिंग की दक्षता समझ में आ गई होगी आपके पास, ठीक है। तो ये है आपकी 61% किसकी होगी, आपकी डी सी आर्क वेल्डिंग की दक्षता कितनी होगी, 61%, भूलना मत इसको, है ना। ACR की 84% या 85 भी कह दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात होगी नहीं। यहाँ पर अगले पॉइंट पर चलते भाई, देखिए भाई ध्यान समझना, तो कुल मिलाकर के हम क्या नाम है आपके DCR वेल्डिंग के बारे में बात कर चुके हैं, अब थोड़ा सा कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं ना, कंपैरिजन देखते हैं DCR वेल्डिंग और ACR वेल्डिंग के बीच में, ठीक है। अच्छा
तो कुल मिलाकर के आपको यहाँ दिखा दिया मैंने, देखो यहाँ पर अगर आपको वेल्डिंग करनी है तो आप रेक्टिफायर का भी यूज़ कर सकते हो, बेज रेक्टिफायर यहाँ पे लगा हुआ है ना, फुल वेव रेक्टिफायर भी आपका यहाँ लगा रहता है। फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर जो आपका सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर जो आधारित होता है रेक्टिफायर, वो भी यहाँ लगाया जा सकता है ना, दोनों एक ही एफिशिएंसी होती है, दोनों की एक ही दक्षता होती है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और यहाँ से सप्लाई सीधे सीधे कहाँ गई है आपके टॉर्च के ऊपर, वेल्डिंग वेल्डिंग होल्डर के ऊपर है ना, तो समझ में आ गई बात, यहाँ पर इसमें कोई आपत्ति वाली बात है ही नहीं। अगला पॉइंट पर चलते हैं भाई, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम डीसी आर्क वेल्डिंग पर बात कर, डीसी और एसी आर्क वेल्डिंग का कंपैरिजन कर रहे थे, ठीक है। तो कंपैरिजन की बात कर लेते जरा, तो पहले एक तरफ में आपका क्या कर देता हूँ, एसी के बारे में लिख देता हूँ, ठीक है। एक तरफ में क्या कर देता हूँ, एसी के बारे में लिख देता हूँ, ठीक है। एक तरफ तो हमारा क्या आ गया, एसी आ गया, और दूसरी तरफ क्या आ गया, डीसी आ गया है ना, डीसी आर्क वेल्डिंग, ठीक है, एसी आर्क वेल्डिंग, पहला डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, होता है, ठीक है। और यहां क्या आएगा आपका, यहां पर आएगा एम जी सेट का उपयोग होता है, होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप याद रखना, लोह धातु पर, केवल लोह धातु पर होती है, केवल लोह धातु पर होती है, पर होती है, ठीक है। यहां पर आप याद रखना, सभी प्रकार की धातु पर होती है, धातु पर होती है, ठीक है। अगला पॉइंट तीसरा, दक्षता ~84% रहती है, है। तीसरा यहाँ पर 61% दक्षता रहती है, ठीक है। चौथा पॉइंट, आर्क का स्थायित्व, स्थायित्व है ना, नहीं रहता, नहीं रहती, नहीं, नहीं रहती है ना, ठीक है। यहां पर क्या आएगा आपका, हमेशा याद रखना, आर्क डीसी सप्लाई होने के कारण के कारण स्थायित्व में स्थायी रहती है, ठीक है। अच्छा, पांचवा नंबर पॉइंट आप विशेष तौर पर ध्यान रखना, कोटेड को हम हिंदी में बोलते हैं लेपित, इलेक्ट्रोड
क्या आवश्यकता होती है? होती है कॉटेड इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है, लेपित इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। यहां पर भी आप इसमें ध्यान रखना, कॉटेड इलेक्ट्रोड आवश्यक नहीं, होगी बात भाई। इधर की तरफ हमारे को जरूरी नहीं कि कोटेड इलेक्ट्रोड आवश्यक नहीं है। इसके अलावा कौन सी महंगी रहेगी, महंगी महंगी कौन सी रहेगी, महंगी होती है ये भाई 6 नंबर वाली जो यहाँ पर हम लिख सकते हो डीसी के अंदर महंगी होती है ना। आप इधर की तरफ लिख सकते हो महंगी होती है, उस तरफ क्या आ सकता है सस्ती होती है ना। सस्ती होती है ना, इस तरफ क्या होगी महंगी होती है। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, कोई परेशानी वाली बात हो तो बता दो आप मेरे को भाई, इतना बैठ गया होगा। हाँ तो कुल मिलाकर कहा जाए, एक तो इस तरफ देखो ध्यान रखना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, उधर एमजी सेट की आवश्यकता होती है। केवल लोह धातु प्रयोग में लाई जाती है, केवल कहाँ प्रयोग में लाई जाती है, केवल और केवल लोह धातु पर प्रयोग में लाई जाती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज होता है, एमजी सेट का उपयोग होता है, सभी प्रकार की धातु प्रयोग में लाई जाती है। दक्षता कितनी है 84% है, यहाँ कितनी है 61% है। किसकी आर्क का स्थायित्व स्थिर नहीं रहती है ना, आर्क जो है वो स्थिर नहीं रहती है ना, तो नहीं रहती का आप इस पर ध्यान रखना, नहीं रहती में ध्यान रखना कि भाई क्या होता है कि देखो एसी जो होती है ना, एसी कुछ इस तरीके से चलती है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो पॉइंट आता है ना, उसमें क्या होता है आर्क जो होती है वो टूट जाती है, जबकि डीसी जो सप्लाई है, जो डीसी सप्लाई है वो हमेशा क्या चलती है इस तरीके से स्थिर चलती है, तो कभी भी इसमें आर्क टूटने की संभावना नहीं होती। तो इसलिए डीसी सप्लाई होने के कारण इसका स्थायी रहती है, आर्क क्या रहती है स्थायी रहती है। कोटेड इलेक्ट्रोड का प्रयोग, कोटेड मतलब लेपित, बिना लेपित का उपयोग किए बिना काम नहीं चलेगा ना, क्यों आर्क का स्थायित्व बनाए रखना है, कोटेड इलेक्ट्रोड की आवश्यकता नहीं होती। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि डीसी आर्क वेल्डिंग में कोटेड इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है ना, तो आपको आंसर में बोलना है कि आर्क जो है डीसी आर्क वेल्डिंग की जो आर्क है वो स्थायित्व नहीं रहती, तो जिस समय पर आर्क क्या होती है जल करके बुझने वाली होती है, बंद होने वाली होती है, तो उस समय पर हमारे को क्या करना रहता है उस आर्क का स्थायित्व बनाए रखने के लिए हमारे कोटेशन की जरूरत होती है, तो कोटेशन क्या करता है उसका स्थायित्व बनाए रखता है ना। अच्छा साफ नहीं दिख रहा, दिख तो रहा है यार, कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं है ना, बाकी और देख लेना आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है 1% भी ना, तो अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अच्छा शॉर्टकट देख लेंगे ना, तो अगला पॉइंट पर चलते भाई, ये तो हमारे क्या है एक सस्ती होती है इधर महंगी होती है ठीक है। अच्छा और क्या नाम है इसमें, इसमें सुविधा रहती है, इसमें थोड़ी असुविधा रहती है, डीसी आर्क वेल्डिंग करने में थोड़ी असुविधा रहती है, कारण क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं बहुत भारी होते हैं, डीसी आर्क वेल्डिंग शोर भी ज़्यादा करती है, डीसी आर्क वेल्डिंग क्या करती है शोर भी ज़्यादा करती है, एसी आर्क वेल्डिंग शोर कम करती है ना। अच्छा वेल्डिंग में तापमान है ना, अगला पॉइंट पर हम चलते हैं, आर्क वेल्डिंग में अधिकतम तापमान, अगर आपसे कोई पूछता है आर्क वेल्डिंग में तो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना बोलना है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, अगर आपसे ये पूछता है। दूसरे नंबर पे आप विशेष तौर पे ध्यान रखना,
आर्क वेल्डिंग में कितने वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। छोटा सा क्वेश्चन है, क्या बोला गया, आर्क वेल्डिंग जो होती है उसमें कितने वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। तो आपको चाहे, अगर आपसे जरूरी नहीं वो एसी बोलेगा या डीसी बोलेगा, तो भी आपको 40 कितना बोलना है, 60 वोल्ट बोलना है। अब ध्यान समझो, डीसी के अंदर मैंने क्या बताया, 33 से 45 यानी 40 के ऊपर पहुंच गए हम, है ना, और एसी के अंदर 40 से 60 मैंने पहले बता रखा है। तो आपको क्या बोलना है, आर्क वेल्डिंग में कितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है, तो 40 से 60 वोल्ट की, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। तो इस बात को आप, दोनों बातों को आप नोट कर लेना, एग्जाम में कई बार आपसे ये पूछा जा चुका है, ठीक है। अच्छा, तो और इलेक्ट्रोड हमेशा के जॉब के समान धातु का, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अब हम बात करने वाले हैं आर्क जो वेल्डिंग होती है ना, वेल्डिंग के इंस्ट्रूमेंट्स और अदर इंस्ट्रूमेंट। कल जिनके हम बात कर रहे थे वो कौन कौन सी बात की थी हमने, कल हमने बहुत सारी चीज़ें बात की थी। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि व्यक्ति के पास कौन कौन सी चीज़ें का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वेल्डिंग करते समय, है ना। तो पहली बात तो वेल्डिंग के लिए एक बैंड है ना, जो आपके सर के बालों को क्या करेगा, बांध देगा, है ना। तो एक तो वेल्डिंग वाला जो बैंडेड होता है वो चाहिए, सेफ्टी गॉगल्स, है ना, सेफ्टी ग्लास या गॉगल्स, है ना, सेफ्टी ग्लास का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में वेल्डिंग जैकेट, पूरी जैकेट रहती है, लेदर की रहती है विशेष तौर पर। वेल्डिंग ग्लोवर्स, है ना, ग्लव्स, है ना, वेल्डिंग के क्या चाहिए अपन को, ग्लव्स चाहिए, ग्लव्स और हाथ में क्रोम लेदर के बताया था ये बने होते हैं, पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। वेल्डिंग हेलमेट, एक हेलमेट भी रहता है जो वेल्डिंग करते समय काम में लिया जाता है। लेदर एप्रेन, लेदर की क्या रहेगी, ये देखो नीचे की साइड ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये लेदर की एप्रेन है, ठीक है। डेनिम की पैंट, भाई डेनिम कंपनी की आप पैंट पहन करके जाइएगा, है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास जो, ठीक है। लेदर शूज, लेदर के जो शूज रहते हैं वो होना जरूरी है, सेफ्टी शूज भी कह सकते हैं जैसे, है ना। तो ये आपका ड्रेसअप होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट टू पॉइंट बात कर लो थोड़ा सा। तो भाई देखो, सेफ्टी गॉगल्स कुछ इस तरीके के हैं, इसमें आगे की साइड टोटो ग्लास लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हेलमेट, ये आपका हेलमेट है, इसको पहना भी जा सकता है और आगे की साइड पकड़ा भी जा सकता है, तो हेलमेट का यूज़ किया जाता है। ये आपके लेदर के है, तो अंदर की साइड देखो, ऊपर की साइड लेदर दिखाई दे रहा है, अंदर भी लेदर भी होता है, क्रोमियम भी होता है। इसके साथ साथ आपका ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है वो किसका है, रबर का बना हुआ, ताकि आपकी किसी प्रकार की सप्लाई आपको से कॉन्टेक्ट में ना हो। ये है एप्रेन, ये क्या है, एप्रेन, ठीक है। तो एप्रेन को आपका नीचे की साइड, ये पूरा एप्रेन, बाकी आपके ये सेफ्टी शूज है, कुछ अलग तरीके के सेफ्टी शूज दिखाई देते हैं ये वेल्डिंग के सेफ्टी शूज कुछ अलग है, ये सेफ्टी शूज हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जाए, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स का हम क्या करते हैं, वेल्डिंग के लिए उपयोग में लेते हैं। अब अगले पॉइंट पर जब मैं आपको चलने वाला हूँ, तो अब आपको मैं बताने वाला हूँ भाई वेल्डिंग में जॉइंट कौन कौन से थे। अब डीसी और एसी की बात नहीं कर रहे, अब सभी वेल्डिंगों की बात कर रहे हैं। वेल्डिंग जॉइंट कौन कौन से होते हैं, देखो, जब भी दो जॉबों को कुछ इस प्रकार से जोड़ दिया जाए, ठीक है, कुछ इस प्रकार से जोड़ा जाए, तो इसे हम बोलते हैं बट जॉइंट। कौन सा जॉइंट बोलते हैं, बट जॉइंट, हमेशा याद रखना, बट जॉइंट कहा जाता है, एक दूसरे से इस तरीके की टक्कर हो रही है ना, बट जॉइंट। अब अगर मान लीजिए हम जॉब को कुछ इस तरीके से जोड़ रहे हैं, देखो जरूरी नहीं है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है वैसा ही, मतलब थोड़ा सा आप इसमें क्या कर सकते हो, कब अलग भी इसमें बीच में भी क्या होगी, थोड़ी सी धातु आपकी रहेगी, ध्यान रखना है ना। तो ये वाला जो है आपका क्या है, लैब जॉइंट है ना, और जरूरी नहीं है आपको ऐसा कोई, मतलब ऐसा कोई कंपल्सरी भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये है लैब जॉइंट, एक के ऊपर एक क्या कर रखा हमने, जॉब को रखा हुआ है ना, एक के ऊपर एक हमने क्या रखा है, ओवरलैप करके रखा होता है, इसलिए हम किसे बोलते हैं, लैब जॉइंट कहते हैं। अगर किसी जगह कॉर्नर जॉइंट करना है, अगर किसी जगह क्या करना है, कॉर्नर जॉइंट करना है, तो कॉर्नर जॉइंट हमारे सामने ये रहेगा ना। अब
बोल रहा है, अगला पॉइंट बोल रहा है, बोला एज जॉइंट। एज जॉइंट का मतलब समझ रहे हो, एज क्या, हमेशा ध्यान रखना टेक्निकल लैंग्वेज में एज का मतलब होता है मोटाई या किनोर, है ना। एज जॉइंट, एज मतलब मोटाई, ये मोटाई, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं एज, इस वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। तो एज, तो ये एज है और ये एज है, और एज से एज को ऊपर रख करके हमने क्या कर दिया, जॉइंट कर दिया, तो एज जॉइंट कहलाता है ना, इसे क्या कहते हैं, एज जॉइंट। और इसे बोलते हैं टी जॉइंट, ये नीचे की साइड है इस तरीके से, है ना, और ये ऊपर की साइड से इस तरीके से, है ना। तो ये इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको यहाँ जॉइंट किया हुआ है, इसको यहाँ जॉइंट किया हुआ, तो ये हो गया कौन सा जॉइंट, टी जॉइंट। इसे टी का सिंबल दिखाई दे रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ पर टी का सिंबल, ये देखो ये टी जॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये जॉइंट के प्रकार है, अलग अलग जॉइंट है। अब सुनो मेरी बात, एग्जाम में और क्या वेल्डिंग आपसे पूछता है, आपसे पूछता है कि भाई जो आपके वेल्डिंग जॉइंट है उनको किस सिंबल से आपका रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो जरा देखो मैं आपको इसको बड़ा करके दिखा दूं ताकि आपको पीडीएफ लेने में दिक्कत ना आए ना, तो जरा समझना मेरी बात को, ठीक है, ओके, है ना, एक कोड ले लो, ठीक है। अब देखो ना जरा मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। अगर आपके पास कोई जॉइंट कुछ इस तरीके का जॉइंट है, आपसे पूछेगा कैसे एग्जाम में, ठीक है, दिख रहा हो आप सभी को, है ना। तो बट वेल्ड है भाई, बट वेल्ड है और इसके ऊपर प्लेट लगाई गई है ना, तो बट वेल्ड है उसके ऊपर प्लेट लगाई गई है, तो उसका जो निशान रहेगा वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, देखो ये और ये इस तरीके का कर्व दिखाई देगा, ठीक है, है ना, स्क्वायर बट बेल्ट, ठीक है, कुछ इस तरीके का है, तो मतलब जी बीच वाला पोर्शन है थोड़ा चौकोर टाइप का है, तो इस तरीके से डबल लाइन करनी पड़ेगी। अगर सिंगल वी बट वेल्ड है, सिंगल वी टाइप का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वी बनाना पड़ेगा। अगर स्क्वायर टाइप का है तो दो लाइनें आपको यहाँ शो की गई है, दो लाइनें करनी पड़ेगी। स्क्वायर का मतलब ये वाला जो वेल्डिंग जॉइंट है वो यहाँ पर किस तरीके का है, स्क्वायर टाइप की शेप में, ये वाला किसका है, वी टाइप की शेप में। ये वाला क्या है, एक हिस्सा तो क्या है सीधा है, और दूसरा हिस्सा क्या है, वी पॉइंट पर थोड़ा झुका हुआ है ना, तो ये इस तरीके से है ना। तो अच्छा नीचे की साइड चले जाएं, सिंगल वी जॉइंट है ना, सिंगल वी जॉइंट में क्या है भाई, ये सिंपल इस वाले वी जॉइंट में, वी जॉइंट में क्या अंतर है भाई, इसका जो एंगल है वो लगभग 120 डिग्री के एंगल के लगभग बराबर हो रहा है, और ये वाला कितना एंगल हो रहा है, लगभग 90 डिग्री एंगल हो रहा है, ठीक है। तो इतना अंतर है आपको इसके अंदर, है ना, सिंगल बट वेल्ट है ना, और बोट रूट फेस, बोट रूट फेस आ रहा है, मतलब क्या नाम है ये, आधे दूराई तक तो ऐसा है, फिर ऊपर, तो ये इस तरीके का। अब इसको क्या करना पड़ेगा, पीछे पलटी करके भी क्या करना पड़ेगा, वेल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अगले पॉइंट पर चल रहे हैं भाई, अगला पॉइंट हम देखते हैं इसी के अंदर ही अगला पॉइंट देखने वाले हैं। देखो भाई यहाँ तक हम आ गए थे ना, सेवेंथ नंबर पॉइंट था ना, सेवेंथ नंबर पॉइंट के बाद में देखते हैं, ठीक है। सेवेंथ नंबर पॉइंट के बाद में देखते हैं भाई होगा क्या, सिंगल यू बट वेल्ड है ना। अगर कोई मान लीजिए सिंगल शब्द आ जाता है, देखो जहां पर भी सिंगल शब्द आएगा ना, वहां आप हमेशा याद रखना एक लाइन तो हमारी पूरी तरीके सिंगल वर्ड जहां आएगा वहां एक लाइन तो हमारी क्या आएगी, पूरी की पूरी ऊपर से लेकर के ये इस तरीके से नीचे, है ना। और ये देखो इसमें भी आ रही है सिंगल, और क्या हो रहा है, यू जॉइंट आ रहा है, तो यू जॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके का आगे की साइड बढ़ा देंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सिंगल यू बट जॉइंट है, तो यू टाइप का बट जॉइंट है तो उसका सिंबल अलग है, और अगर सिंगल यू बट जॉइंट है तो उसका सिंबल अलग है ना। ब्रेकिंग रन एंड ब्रेकिंग बैक फॉर बेकिंग वेल्ड, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए, इसको पीछे की साइड से आपने क्या किया, आधा वेल्ड किया हुआ है, ठीक है, एक तरीके से स्पॉट टाइप का पीछे की साइड से आपने इसको दिया हुआ है ना। अच्छा फील्ड वेल्ड, तो कुल मिलाकर क्या है, फील्ड वेल्ड में कुछ इस 90 डिग्री एंगल पर रखा हुआ है, और इसमें इस तरीके से जॉब को दोनों साइड से नहीं जोड़ा गया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से जोड़ा गया है, इस तरीके से एक तरफ से जोड़ा गया है। तो जब भी हम एक तरफ से जोड़ेंगे तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इस वाले, आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे पूछे जाने वाले पार्ट है ये वाला,
ये आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से बाकी सारे पॉइंट आपको दिए हैं। स्पॉट वेल्ड, तो स्पॉट वेल्ड अभी आपको यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, अगली इमेज में चलते तो आपको और समझा देंगे इस चीज़ को, ठीक है। अगला इमेज देख लेते हैं अपन, देखो इसमें देखते हैं अपन, अब देखना जरा, आप इसका पीडीएफ ले लेना, ठीक है। सीम वेल्ड में क्या होगा, यहाँ समझो सीम वेल्ड है अंतिम, सीम वेल्ड के अंदर क्या होगा, अगर क्या नाम है, दो जॉब आपस में एक दूसरे से इस तरीके से ओवरलैप कंडीशन में भी हैं, और ओवरलैप कंडीशन में होने के बाद में दोनों को क्या किया है, सीम किया हुआ, तो आपको डबल लाइन करके और इस तरीके का शो कर देना है, ठीक है। और स्पॉट वेल्ड किया हुआ, अगर दोनों को कैसा वेल्ड किया हुआ, तो आप स्पॉट वेल्ड को क्या करोगे, इस तरीके से आप इसको क्या करोगे, शो करोगे, है ना। प्लग वेल्ड किया हुआ है या स्लॉट वेल्ड किया हुआ, तो आपका वो यहाँ पर इस तरीके से, है ना, अलग अलग पॉइंट है। तो अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़रा ध्यान से रखना, है ना, समझ में आ गई होगी यहाँ तक बात, चलो ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने वेल्डिंग के बारे में काफ़ी सारी जानकारी ली, है ना। अब आप क्लास के लिए ध्यान रखो, अब वेल्डिंग के अंदर थोड़ा सा हम डिटेल में किसके किस कौन सी वेल्डिंग, एक तो हमारा गैस वेल्डिंग का कुछ चैप्टर जो है ना वो फिटर के अकॉर्डिंग तो मैंने आपको करवा दिया था, लेकिन आज जो हमारा क्या नाम है वेल्डर के अकॉर्डिंग था, वो वेल्डर के अकॉर्डिंग मेरे को उसको दोबारा से करवाना थोड़ा सा, तो वेल्डर के अकॉर्डिंग मैं फिर दोबारा से वेल्डर ट्रेड के अकॉर्डिंग लेने वाला हूँ, थोड़ा फिटर का सॉरी गैस वेल्डिंग वाला पार्ट, गैस वेल्डिंग के बाद में आपका जो भी पार्ट इसमें छूटा हुआ वो पार्ट अपन लेकर के इसको कंप्लीट करेंगे वेल्डिंग को, और वेल्डिंग के बाद में फिर हम देखते हैं भाई डीजल मैकेनिक वालों जो भी परेशान हो रहे हो परेशान मत हो, आपका एक बार रिवीजन हम करा देंगे इसमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा देंगे, नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक के आप वीडियो देखो, उसके बाद में ऑल ट्रेड जो टूल्स हैं वो वीडियो देखो, लगभग 20 से ज़्यादा वीडियो हैं वो आप देख सकते हो पहले तो उनको, है ना, ताकि आप, है ना, अपना जो कीमती समय है वो अभी उन 20 वीडियो को देख करके और उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, मार्केट से सॉल्व पेपर खरीदो और सॉल्व पेपर से उन क्वेश्चंस को करने की धीरे धीरे क्या करो, तैयारी करो, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद करते हैं, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे और नई जानकारी के साथ में और नई चीज़ों के साथ में, और आपका वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचा दो। आज सिर्फ छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा कोई डिपर मतलब इंटरनल ऐसा कोई बहुत हैवी टॉपिक नहीं था, सिंपल टॉपिक था। अगली क्लास में जो हम लेंगे गैस वेल्डिंग को हम थोड़ा सा अंदर तक लेंगे। हाँ, ड्राइंग की बात कर लेता हूँ, ड्राइंग के बारे में मैं आपको जल्दी से जल्दी क्या नाम है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, जल्दी से जल्दी एक ब्रांच को हम टाइम को अपना सेव करके और फिर उसको ड्राइंग में हम देने वाले हैं ना, और बाकी एक टाइम में हम क्या रखेंगे अपनी ट्रेड थ्योरी जो भी हमारी बाकी रह जाएंगी वो सारी हम कंप्लीट करें। फिटर ट्रेड के लिए क्या करें सर, अब फिटर वालों ध्यान से सुनो, फिटर वालों थोड़ा सा अभी मशीनिस्ट वगैरह के ट्रेड हैं, देखते हैं उसमें कितना स्टूडेंट्स की डिमांड आती है मशीनिस्ट ट्रेड के लिए और आपके टर्नर ट्रेड के लिए, अगर मशीनिस्ट और टर्नर ट्रेड की डिमांड आती है बहुत ज़्यादा आज देखता हूँ मैं ना, तो उसके बाद में फिर हम इसको और कंटिन्यू करेंगे, तो उसमें आपको फिटर वालों को थोड़ा मशीनिस्ट और टर्नर ट्रेड के अंदर भी थोड़ा बहुत आ जाएगा, वरना आप क्या कहिए मार्केट से क्या कुछ बुक्स वगैरह इसमें आप, वैसे देखो टेक्निकली पार्ट जो थे वो तो अपने कंप्लीट कर ही लिए है ना, टूल्स वगैरह आपके आते हैं उसके साथ में हीट ट्रीटमेंट का चैप्टर आता है, बैरिंग का चैप्टर आता है, बहुत सारे चैप्टर जो अपने कंप्लीट किए हैं, तो कुल मिलाकर के अपन उसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में एक आपका चैप्टर और मिलूंगा, वो सरफेस फिनिशिंग का चैप्टर रहेगा, तो सरफेस फिनिशिंग का थोड़ा सा और बात कर लेंगे ना, और इस तरीके से हम रेगुलर चलते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद करते हैं, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।